नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर। दोस्तों आज मैं आपको फीमेल रेडिसन के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। फीमेल रेडिसन को कौन कौन सी कंडीशन में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट फीमेल रेडिसन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों फीमेल रेडिसन की बात करें तो इसको न्यू रेडिसन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर अशोका, लौद, अर्जुन, अश्वगंधा, शतावरी, अजवाइन, आंवला और अजमोत, अमृत कुर्च, अमलतास और लोहा भस्म, काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 132 रुपये में आती है ये। 300 ml की इसकी पैकेजिंग होती है। दोस्तों इस बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। दोस्तों इस सिरप को मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। दोस्तों यदि किसी महिला को पीरियड समय पे नहीं होते हैं या सफ़ेद पानी की शिकायत है, जब महीने पीरियड होते हैं उस समय उनके दर्द होता है या आपकी बच्चेदानी में सूजन है, दोस्तों इस पे ये सारे इस पे यूज़ लिखे भी हैं, या आपके नलों में सूजन है या महीना आने के समय आपके कमर में दर्द रहता है, पेड़ों में दर्द रहता है, पिंडलियों में दर्द रहता है, चेहरों पर दाग धब्बे हैं, झाइयाँ हैं, दिल घबराता है या भूख नहीं लगती या हाथ पाँव में जलन रहती है, काम करने में मन नहीं लगता, तो इन सभी बीमारियों में डॉक्टर के द्वारा फीमेल रेडिसन सिरप को इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों बहुत ज़्यादा फेमस है ये फीमेल रेडिसन सिरप दो चुटियों वाली सिरप के नाम से। दोस्तों ये महिलाओं के लिए कंप्लीट यूटरिन टॉनिक है। इसके डोजेस की बात करें तो दोस्तों सुबह शाम 10-10 ml डॉक्टर के द्वारा इसको इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों ये महिलाएं इसका इस्तेमाल करती हैं तो उस समय आपको किसी खट्टी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है और तले भुंजे का इस्तेमाल नहीं करना है, ये इसका परहेज है। दोस्तों आप इस यदि इस न्यू रेडिसन सिरप का इस्तेमाल करती हैं तो आई होप तो आपको यदि वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।